हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक हाउस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चीज़ बस पिज़्ज़ा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको हम लोग ब्रेड से बनाएंगे, तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ब्रेड की स्लाइस लिया है। अब हम इसके साइड्स को काट के अलग कर लेंगे और ये हमने काट के अलग कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा रोल करेंगे, तो हल्का सा बेल लेने से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है और साइज़ में भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा वाला भी स्लाइस हम रोल कर लेंगे। और बस अब हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हम एक एक करके एक एक चीज़ की स्लाइस रख देंगे और फिर इसके ऊपर हम अपना रोल किया हुआ ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। अब हम इसके ऊपर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। और ये हमने पिज़्ज़ा सॉस भी अच्छे से लगा लिया है दोनों के ऊपर। अब हम इसके ऊपर अच्छे से फैलाते हुए मोज़रेला चीज़ रख लेंगे। और अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे, तो टॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़ फैला देंगे और फिर इसके बाद हम इस पर चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा पिज़्ज़ा सज धज के तैयार है कुक होने के लिए। तो कुक करने के लिए उसको हम एक पैन में हल्का सा तेल लगाएंगे और इसके बाद हम अपना तैयार किया हुआ पिज़्ज़ा रख देंगे और एकदम छोटे वाले बर्नर पे लो फ्लेम पे इसको ढक के हम चीज़ के मेल्ट होने तक पका लेंगे। अब ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब हम इसको हटा देंगे और दूसरा वाला भी पिज़्ज़ा इसी तरीके से कुक कर लेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार है, तो इसकी कटिंग करनी है हमें। तो उससे पहले हम इस पर हल्का सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे और फिर अब काट के एंजॉय करेंगे। अगर वीडियो देख के आपके भी मुंह में पानी आए तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक करिए और जल्दी से जाके बना लीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।